नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जय भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और पटना साहिब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में हाथापाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान कुछ विवाद हुआ था, जिस वजह से कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ उठे। तत्पश्चात यहां पे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी इस हाथापाई के दौरान मौजूद रहे। आप देखिए इस वीडियो में। इस देश में 2014 के बाद जो भय और माहौल बना, चाहे वो जैन समुदाय हो, चाहे वो बुद्ध मानने वाले बौद्ध समुदाय हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग हों, सब आज भय और आतंक के माहौल में जी रहे हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक और नैतिक जिम्मेवारी है कि लोगों के मन से डर भय हटाए और इस देश से घृणा और नफरत की राजनीति समाप्त हो, आपसी भाईचारा काम हो, प्रेम सौहार्द बना रहे। इस उद्देश्य से ये यात्रा हम लोगों के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा का, जिसका उन्होंने 4000 लगभग किलोमीटर का समापन किया है। हम लोग के स्टेट में राहुल जी नहीं आए थे, तो प्रायः जिन प्रदेशों में नहीं गए वहाँ का स्टेट कांग्रेस इस यात्रा को संचालित कर रही है। अध्यक्ष के नेतृत्व में यात्रा चल रहा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, जिन्होंने पहली बार किसी स्टेट स्पेसिफिक यात्रा को हरी झंडी दिखाया और यहाँ एक बड़ी रैली को संबोधित करने का काम। ये 12.5 किलोमीटर की हम लोग की यात्रा थी गया तक, और ये 13वां-14वां जिला पटना में हम लोग प्रवेश किए हैं, उसका 80% दूरी तय करके यहाँ पहुँचे हैं। अब 2-3 दिन यात्रा स्थगित रहेगा, उसके बाद चल के फिर गया में समापन होगा और उसमें हम लोगों ने राहुल जी को निमंत्रित किया है आने के लिए। जैसे ही डेट तय होगा वो भी बताएंगे। ऐसी यात्राओं से कुछ सफलता मिलेगी, लाखों लोग हम लोगों के साथ चले हैं भिन्न भिन्न जिलों में, और प्रेम और सौहार्द का। तो देखा आपने किस तरह से कांग्रेसी नेता भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हाथापाई करते हुए गुरुद्वारा में दिख रहे हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।